हेलो दोस्तों, आपका बाहुबली डिफेंस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जीके और जीएस के लगभग 300 से प्लस टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आप जो इंडियन आर्मी का पेपर आपका होने वाला है उसमें क्वेश्चन महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है। तो आज हम करते हैं लगभग 300 से प्लस क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा पहला है कि पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में कहाँ है। तो ऑप्शन हमारा पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल श्रेणी, आरावली। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आरावली में पीपली घाट दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जल लीक टू किस राज्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती। ऑप्शन हमारा सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, स्टेफी ग्राफ, मार्गरेट कोर्ट। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गोमती नदी किस शहर के किनारे स्थित है। जौनपुर, बैतूल, फिरोजपुर या जगदलपुर। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जौनपुर। गोमती नदी किनारे हमारा जौनपुर शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि हमारा जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी झांसी, ऑप्शन नंबर सी मेरठ, ऑप्शन नंबर सी कानपुर। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी मेरठ। मेरठ से हमारा 1857 का जो है विद्रोह चालू हुआ था। आपको दोस्तों ये बताना है कमेंट बॉक्स में 1857 की क्रांति में पहला बलिदान किसने दिया था तथा किस डेट को दिया था और वर्ष सही बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूध का पीएच मान कितना होता है। 6.1, 6.6, 7.4 या 8.0। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी 6.6। दोस्तों आपको ये बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है तथा पीएच मान का पूरा पूर्ण नाम क्या होता है, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। पुणे, मुंबई, चेन्नई, भुवनेश्वर। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। वानखेड़े स्टेडियम हमारे मुंबई में स्थित है। आपको दोस्तों ये बताना है कि हमारे रायपुर में कौन सा स्टेडियम है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में उर्वरता के दृष्टिकोण से कौन सी मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी। भारत में उर्वरता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी को अच्छी उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भारत के संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं। 19, 18, 22 या 16। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी 22। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। मलिक मोहम्मद जैसी, रस खान, अमीर खुशारो या अमीर हसन। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी अमीर खुशारो। अमीर खुशारो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। सो आप कमेंट बॉक्स में ये बताना है दोस्तों कि हमारे बंगाल केसरी के नाम से किससे जाना जाता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। खादार, जीवांश, बांगस या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर एक खादर। दोस्तों आपको ये बताना है कि मिट्टी का परीक्षण करना क्या कहलाता है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गंगा नदी किस शहर के किनारे स्थित है। गंगा नदी किस शहर के किनारे स्थित है। वाराणसी, पढ़नपुर, हैदराबाद या जमशेदपुर। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। रामगंगा नदी, इंद्रावती, गंगा नदी या ताप्ती। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी। कानपुर हमारे गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, सिद्ध, मधुरी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
तो सही ऑप्शन हमारा है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे पहले आप ये बताइए दोस्तों कि हमारे गिद्धा किस राज्य का राजकीय नृत्य है, ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लैंड ऑफ थाउजेड लेक्स उपनाम किसका है। ऑप्शन हमारा है जापान, श्रीलंका, फिनलैंड या थाईलैंड। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पिरामिड कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए मास्को, ऑप्शन नंबर बी मिस्र, ऑप्शन नंबर सी सिडनी, ऑप्शन नंबर डी कॉन्स्टेंटिनोपल। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, संस्कृति, साहित्य, सामाजिक सद्भाव, कला या खेल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी खेल, ठीक है। आप दोस्तों आपको ये बताना है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, ये हमारे खेल से संबंधित है बट इसको दिया किसको जाता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैन ग्रंथों की भाषा क्या है, संस्कृति थी कि प्राकृतिक थी, पाली थी या उपभ्रंश थी। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 7। आपको दोस्तों बताना है कि क्रिकेट के खेल में कितने हर प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैश्विक दर्शन के प्रणेता किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी गौतम, ऑप्शन नंबर सी कणाद, ऑप्शन नंबर सी कपिल। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी मारिया शारापोवा किस देश से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी रशिया, ऑप्शन नंबर डी स्वीडन। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, धूपगढ़, पंचमढ़ी, पाराशनाथ या महाबलेश्वर। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी पाराशनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गारो खांसी और जयंतिया किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी असम। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वी ए टी का पूर्ण रूप क्या है, वैल्यू एडवांस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एबिलिटी टैक्स या वैल्यू एबल टैक्स। नेक्स्ट तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वैल्यू एडेड टैक्स होता है वी ए टी का पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में है, मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या असम। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। दोस्तों आपको बतानी है मणिपुर की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अष्टाध्यायी का संबंध किससे है, औषधि विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, राजनीति शास्त्र, व्याकरण। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी व्याकरण से, अष्टाध्यायी का संबंध हमारे व्याकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बॉम डी ला दर्रा भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन हमारा सिक्किम, मणिपुर, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड या अरुणाचल, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल या 24 अप्रैल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, विरोधी दल का नेता, अपोजिट पार्टी लीडर, भारत सरकार का मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पुष्कर मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा
बी अजमेर। दोस्तों आपको ये बताना है मध्य प्रदेश में भूतों का मेला कहाँ लगता है आप, और महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने कि ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने बनाया था भारतीय संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1911 कोलकाता में, ऑप्शन बी 1931 कोलकाता में, 1950 दिल्ली, 1896 कोलकाता। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए 1911 में कोलकाता में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान को गाया गया था। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हमारे संविधान में राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है, हमें आप तारीख सहित बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बारावती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? कटक, पुणे, चेन्नई या भुवनेश्वर? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए कटक में, बारावती स्टेडियम कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कजरी रासलीला किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश से या उत्तराखंड, मिजोरम या केरल? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कथकली ओट्टम मोहनी अट्टम किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा, केरल, मेघालय, तमिलनाडु? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी केरल। कथकली ओट्टम मोहनी अट्टम हमारे केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नारंग कप किस खेल से संबंधित है? ब्रिज, फुटबॉल, गोल्फ या बैडमिंटन? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन से नारंग कप जो है तो संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? जैसा कि हम अभी कमेंट बॉक्स में आपसे पूछे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारा पेडोलॉजी, सेरिकल्चर, एपिकल्चर या विटीकल्चर। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन करना हमारा पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? खेल, चिकित्सा, सहित, सामाजिक सद्भाव? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? रोम, इटली, रंगून, व्यमार, पेरिस, फ्रांस, न्यूयॉर्क, यूएसए? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क, यूएसए। तो नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ अमेरिका में हमारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दोस्तों ये बताना है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में, किस स्थान में है तथा इसका उद्घाटन कब किया गया है और ये इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, मैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेन कैंप किसकी रचना है? एडॉल्फ हिटलर, अरस्तू, डायनामोस्की या रूसो? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए एडॉल्फ हिटलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी जनसेवा, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी संस्कृति। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए पत्रकारिता, पत्रकारिता से पुलित्ज़र पुरस्कार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भगवद गीता महाभारत के लेखक कौन है? भगवद गीता और महाभारत के लेखक कौन हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वेदव्यास, ऑप्शन नंबर बी कुलदीप नैयर, ऑप्शन नंबर सी मुल्कराज आनंद, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए वेदव्यास जी जो है तो भागवत गीता और महाभारत के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है कि कबीरदास जी की कोई एक रचना का आप नाम जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी भारत, भारत को एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय
मान्यता जो है तो प्राप्त है इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल गेजरी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ऑप्शन नंबर सी सूडान, ऑप्शन नंबर डी मिस्र। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सूडान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, आर्कटिक, हिमालय या अंटार्कटिका। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए बर्न, ऑप्शन नंबर बी जेनेवा, ऑप्शन नंबर सी रोम, ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन डीसी। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी में हमारे जो तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए लग्जमबर्ग, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी लुसाने, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण नमक रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड। दोस्तों आपको ये बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, तापीय दहन, उपरोक्त तीनों का संयुक्त प्रभाव। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय विखंडन में परमाणु शक्ति संयंत्र जो है तो सिद्धांत पर, मतलब परमाणु शक्ति संयंत्र हमारा नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले एक क्वेश्चन है आपसे कि हमारा सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा। और सूर्य ग्रहण के, सूर्य ग्रहण में सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सूर्य से हमारा पृथ्वी की ताप कितने गुना कम है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितने भी आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इनका कमेंट बॉक्स में अगर आंसर जानते हो जरूर कमेंट करिएगा, नहीं तो हम आपको अगली वीडियो में इसका भी आंसर आपको हम बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, प्रधानमंत्री होता है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री होता है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, गवर्नर। गवर्नर जो है तो राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक हमारा ये गवर्नर होता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है कि हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट में WWW का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो आपको इसका पूरा पूर्ण नाम बताना है आपको। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर सी है वर्ल्ड वाइड बर्ड स्टार, ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है कि ROM का पूर्ण नाम क्या होता है, हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए दोस्तों, इसे अगर कंप्यूटर से अगर क्वेश्चन आ गया तो इसके बारे में और बात कर सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है डीमैग्नेट आइजेशन, डिगाइसिंग, डिगेडिंग, डिग्रीसिंग। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए डीमैग्नेटाइजेशन। ये क्रिया हमारी जो है तो ताप में, मतलब इसको ताप में रख दिया जाता है, इसकी जगह को हमें डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली, ग्वालियर, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है तो इंग्लिश में देख लीजिए, न्यू दिल्ली, ग्वालियर,
पटियाला या कोलकाता। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? विभांतर की होती है, विद्युत शक्ति की होती है, विद्युत ऊर्जा की होती है कि विद्युत विभव की होती है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा की हमारा किलोवाट घंटा इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या दूरदर्शी? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, दूरदर्शी। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए जो जो प्रकाशिक यंत्र होता है वह दूरदर्शी होता है। ये आपको दोस्तों ये बताना है कि दूरबीन के आविष्कार किसने किया था। ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा और किस वर्ष किया था। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा या उत्स्वेदन द्वारा? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ठीक है, इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, कुछ अन्य निहित गुण के कारण? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। जो है हमारा हीरा अंधेरे में भी चमकता है, थोड़ी सी लाइट पड़ती है तो चमकता है दोस्तों आपको ये, और ये हमारे कार्बन का शुद्ध रूप भी होता है। दोस्तों आपको ये बताना है कि जौहरी हीरे की तराश किस यंत्र से करता है? ठीक है, मतलब हीरे की शुद्धता किससे नापता है, जो ज्वेलरी शॉप में होते हैं वो किससे नापते हैं? ठीक है, चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सहरिया जनजाति मुख्यतः निवास कहाँ करती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान या बिहार? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन है? ठीक है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है तुरा, ऑप्शन नंबर ई हदीस, ऑप्शन नंबर सी जेदावेस्ता, ऑप्शन नंबर डी कुरान। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जेदावेस्ता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, कि धूल के कण से होता है, हीलियम से होता है, इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, धूल के कण से। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? एक्सरे, फ्लूरोस्कोपी, लेज़र या अल्ट्रासाउंड? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेज़र। दोस्तों आपको ये बताना है, एक्सरे से कौन सी किरण निकलती है जो हमारे शरीर के किसी भी अंग का पूर्णतः रूप दिखा देता है? ठीक है दोस्तों, तो आपका इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, एक्सरे में कौन सी किरण निकलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? उड़दा में पाया जाता है, चना में पाया जाता है, मटर या सोयाबीन? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन में। दोस्तों आपको ये बताना है कि फसल में सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, और फलों में सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? बुल्स आई शब्द, निशानेबाजी, शतरंज, गोल्फ या कबड्डी? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, निशानेबाज। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सेवानिवृत्ति मतलब अपने वो सेवा करके रिटायर हो जाते हैं, कितने वर्ष में होते हैं? तो ऑप्शन है आपका 65 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष या 58 वर्ष? सही ऑप्शन है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है?
अभी आंध्र प्रदेश की एक राजधानी बनी, उस राजधानी के आपको नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अमरावती, ऑप्शन नंबर बी सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद या ऑप्शन नंबर डी तिरुपति। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए अमरावती। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी हमारी अमरावती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? डेरियो जियो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या माइकल मधुसूदन दंत। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए डेरे जियो। दोस्तों आपको ये बताना है कि हिंदी भाषा का उद्गम किस काल में हुआ और हिंदी भाषा के प्रमुख कवि निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन नंबर ए है पुंडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। दिल्ली जो है तो ये संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय खुद का। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? अभी तक लगने आते थे, अब नहीं लगने आ रही है, तो क्वेश्चन हमारा बहुत डिफिकल्टी दे रहा है एग्जामिनर। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी है भूटान की, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। आपको बताना है इनमें से किस देश के साथ हमारे भारत की सीमा साझा नहीं होती है। तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। श्रीलंका के हमारी जो है इंडिया की सीमा रेखा नहीं साझा होती है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि श्रीलंका और भारत के बीच जो रेखा मतलब इन्हें विभाजित करती है, तो उस विभाजन का नाम आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा से टिकती है? आपको कुल मिला के बता दिया जाए कि जो चुंबक होता है वह उसका जो ध्रुव होता है किस छोर में रुकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर पूर्व दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी उत्तर दक्षिण दिशा में हमारा जो है तो चुंबकीय सुई रुकती है। ठीक है, तो आप इसका परीक्षा इसके लिए इसका उपयोग सर्वाधिक जो समुद्री यात्री होते हैं उनको दिशा परीक्षण के लिए ये सर्वाधिक इसी चुंबकीय सुई का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग जंगलों में भी किया जाता है। जंगलों में जो दिशा नहीं जानते हैं चुंबकीय सुई द्वारा वो पता लगा सकते हैं कि हमारा दिशा कौन सा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है? ऑप्शन नंबर ए हमीरपुर, ऑप्शन नंबर बी रामपुर, ऑप्शन नंबर सी मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर डी संबलपुर। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी मिर्जापुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है भारत या ऑप्शन नंबर डी है जापान। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी भारत। मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का जो है तो वो भारत से गए थे, जो मंगल की परिक्रमा करे थे। दोस्तों आपको ये बताना है कि हमारे अंतरिक्ष में भारत के प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में कौन गए थे। ठीक है, और प्रथम महिला कौन गई थी। आपको इसका जो है तो वर्ष सहित आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं मोसले हैं, मेंडलीफ हैं, एवोगैड्रो हैं कि डाल्टन हैं। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए मोसले। जो हमारी आधुनिक आवर्त जो नियम हैं तो वो हमारे मोसले द्वारा किया गया है। इससे पहले हमारे मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सरणी का प्रवर्तक किए थे। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये बताना है कि मोसले जो हैं तो हमारे जो एलिमेंट्री जो मतलब जो तत्व हैं तो उनको किस क्रम में सजा के रखा है, किसके आधार पर उन्होंने सजा के रखा है। ठीक है दोस्तों, आवर्त सारणी में किसके द्वारा वो सजा के रखे हैं आपको कभी इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर
में आयोजित किया गए थे। ऑप्शन नंबर ए है एथेंस, ऑप्शन नंबर बी है स्टॉकहोम, ऑप्शन नंबर सी है पेरिस, ऑप्शन नंबर सी लंदन। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए एथेंस। एथेंस में जो है तो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल का इसी एथेंस में आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपको दोस्तों ये बताना है कि एथेंस में ओलंपिक खेल किस वर्ष से आयोजित किया जाने लगा है, किस वर्ष किया गया था पहली बार, आप कमेंट बॉक्स में ये बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खैबर का दर्रा कहाँ है, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। पाकिस्तान में खैबर दर्रा स्थित है। दोस्तों आपको ये बताना है कि हमारा जोजिला दर्रा और जोजिला दर्रा, पेंसिला दर्रा ये हमारे भारत के कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। टंगस्टन, जिप्सम, अभ्रक शीट या ग्रेफाइट। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी अभ्रक। अभ्रक जो है तुम्हारे भारत का पूरे विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। अभ्रक शीट के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पादप वृद्ध हार्मोन्स जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कवक, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी शैवाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए कवक। कवक से जिब्रेलिन हार्मोन्स जो है तो निकाले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसीटेट या सोडियम हाइड्राइऑक्साइड। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, और खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और जिप्सम का भी बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन है कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी तट के साथ अवस्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, उपराष्ट्रपति करता है कि राज्यपाल करता है। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक क्वेश्चन है आपसे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, और इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वस्तुओं का आवेशन किसके रूपांतरण के फलस्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी पॉजिट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए इलेक्ट्रॉन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय खिलाड़ी गगन तरंग किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर बी एयर राइफल शूटिंग, ऑप्शन नंबर सी कुश्ती, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी एयर राइफल शूटिंग। बताइए भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग हमारे एयर राइफल शूटिंग से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए टेनिस, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी हॉकी, ऑप्शन नंबर डी गोल्फ। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट। सीके नायडू कप हमारे क्रिकेट से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं। विसूचिका, अन्य ज्वार, चेचक या लकवा। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी चेचक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है। तो आपको बताना है लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है कहाँ, जैनों का है,
कि इनका बौद्धों का है, ईसाइयों का है या सिखों का है। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है नोल और रूस का, रॉबर्ट कोच, लीवेनहॉक, सी पी स्वानसन। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, नोल और रूस का। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर का नियम, ऑप्शन नंबर बी कूलाम का नियम, ऑप्शन नंबर सी फैराडे, ऑप्शन नंबर डी ओम का नियम। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, कूलाम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से लैक्टोमीटर से या पोटेशियोमीटर से। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, बताइए क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है, एल्युमिनियम को, मरकरी को, प्लेटिनियम या पैलेडियम। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बद्रीनाथ धाम किस देवता के समर्पित है, शिव के लिए, विष्णु के लिए, ब्रह्म के लिए, कृष्ण के लिए। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, शिव जी के लिए बद्रीनाथ, सॉरी ऑप्शन नंबर हमारा बी, विष्णु भगवान जो है तो बद्रीनाथ धाम के लिए समर्पित देवता हैं। आपको ये बताना है दोस्तों बद्रीनाथ धाम भारत के किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पांच जगत वर्गीकरण किसने किया, विटेकर, हैकर, नियस या कोपलैड। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, विटेकर ने पांच जगत वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, हिंदू धर्म या हिंदू धर्म तथा जैन धर्म। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू धर्म जैन धर्म दोनों से इसका संबंध है खजुराहो के मंदिर का। सही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पेशव विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली का निर्माण करने वाली नदी, किस नदी, कावेरी नदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्री। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्री। दोस्तों आपकी बताना है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, तथा इसकी लंबाई कितनी है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि हमारी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तथा इसकी लंबाई कितनी है तथा यह किस देश में है, आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस नदी के संगम पर डेल्टा नहीं बनता, कावेरी में, महानदी, गोदावरी या तापी। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, तापी नदी पर जो है तो संगम पर डेल्टा नहीं बनता। चलिए दोस्तों आपको एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक क्वेश्चन है आपसे कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर बनता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, चंबल, केन, बेतवा या नर्मदा। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। आपको दोस्तों बताना है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कुल कितना क्षेत्रफल में बहती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया, सिद्धांत किससे संबंधित है, द्रव्य दाब से, प्रत्यास्थ से, रेडियोधर्मिता से, कि इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यास्थता से, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है, जापान, भारत, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया।
ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो सही ऑप्शन है दोस्त हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ देश जो है तो है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कमलजीत संधु, कर्णमलेश्वरी, आयसाइना नेहवाल या मेरिकम। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत संधु। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर ए है आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं? ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी लुई पाश्चर, ऑप्शन में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज जो है तो उत्प्लवकता से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैरीना बीच कहाँ स्थित है? चेन्नई, मुंबई, पणजी, कोलकाता। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। चेन्नई में मरीना बीच जो है तो स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? चेन्नई, मुस्लिटनम, कोलकाता या नई दिल्ली। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में फोर्ट विलियम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU कहाँ स्थित है? आगरा, पुणे, नई दिल्ली, देहरादून। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोलघर अवस्थित है कहाँ है? गोलघर, तो इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा या पटना। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, पटना में गोलघर जो है तो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या असम। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई। कोलकाता या अमृतसर, लुधियाना या तिरुपति। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता या अमृतसर। दोस्तों आपको ये बताना है ग्रैंड ट्रंक सड़क की निर्माण किसने करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए भगवान विष्णु, भगवान शिव, ऑप्शन नंबर सी भगवान बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी है जैन तीर्थकार। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जैन तीर्थकारों को जो है तो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर समर्पित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार राज्य में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मधेपुरा, ऑप्शन नंबर बी रोहतास, ऑप्शन नंबर सी सहरसा, ऑप्शन नंबर डी गया। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, मधेपुरा में सिंहेश्वर मंदिर बिहार जो है तो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दमोदर नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, छोटा नागपुर से, पठार से निकलती है, नैनीताल के पास से निकलती है कि सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार से दमोदर नदी जो है तो निकलती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? व्यास, रावी, चेनाब या तावी है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा नहीं है, तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा तवी जो है तो हमारी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों आपको ये बताना है कि पाकिस्तान और इंडिया, तो इंडिया सिंधु नदी का पानी का उपयोग कितने प्रतिशत करता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का तृतीय नियम पर रॉकेट सिद्धांत कार्य करता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में जो है तो राष्ट्रीय उद्यान, दूध राष्ट्रीय उद्यान स्थित है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दोस्तों भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन सी है? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। ये दोस्तों इसके अलावा आप जान लीजिए कि भारत रत्न जब बंद हुआ था उसके बाद प्रथम जब चालू हुआ था तो प्रथम महिला मदर टेरेसा को दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी जो है तो भारत के सबसे कम उम्र प्रधानमंत्री में पद में आसीन हो गए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मधुशाला किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, हरिवंश राय बच्चन की है, महादेवी वर्मा। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला जो है तो कृति है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, केरल का जो है तो ओणम ये प्रसिद्ध प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्यों? क्यों अधिक ऊर्जा खर्च होती है सीढ़ी में चढ़ने से? तो आपको दोस्तों ऑप्शन हमारा पहला है, व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, व्यक्ति कोई कार्य ही नहीं कर पाता। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है इसलिए उसे सीढ़ी में चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दोस्तों आप इससे क्वेश्चन आ ही गया है गुरुत्वाकर्षण से, तो हमें आप ये बताइए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राजगीर किस राज्य में है? असम में है, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। राजगीर हमारे बिहार में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थित है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माथेरा नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, केरल या महाराष्ट्र? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में माथेरा नामक हिल स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और इस चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी का केंद्रक। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन का कार्य करता है। दोस्तों आपको ये बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज किसने की थी, ठीक है, और कोशिका की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ग्रीनलैंड या मेडागास्कर? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? कोयम्बटूर, नई दिल्ली, चंडीगढ़, सेलम। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? मूर्तिकला, संगीत कला, चित्रकला, नाट्यकला। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोसांग उत्सव मनाया जाता है? लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, केरल में। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, वियना, जिनेवा, रोम। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी किस धातु से बनी होती है?
प्रतिरोध कम, गलनांक कम, विश्व घनत्व कम, विशिष्ट घनत्व कम, चालकता कम। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, गलनांक कम हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात, नेक्स्ट क्वेश्चन बात, तरण त्वरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, उसका कारण है अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन या व्यक्तिकरण। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए मूंगफली, ऑप्शन नंबर बी कपास, ऑप्शन नंबर सी तंबाकू, ऑप्शन नंबर डी गन्ना। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गारो हिल्स कहाँ है, त्रिपुरा में है, त्रिपुरा मणिपुर मेघालय नागालैंड। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में गारो हिल्स स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, चलिए इसके अलावा भी बताइएगा सबसे ऊंचा हिल्स कौन सा है तथा कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में, टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश से संबंधित हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या स्वीडन। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड से जो है तो हमारा ये रोजर फेडरर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है, भारत, रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी, भारत। भारत ने शतरंज का जन्मदाता देश कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश से माना जाता है, भारत, चीन, जापान, रूस। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वर्ण बालिका एवं उड़न परी के नाम से किस महिला एथलीट को जाना जाता है, पीटी उषा दास, साइनी अब्राहम, के एम बीना मोला या सुनीता रानी। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा को जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, इसके पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपके आपसे एक क्वेश्चन है कि पीटी उषा दास कहाँ से बिलोंग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइकल जॉर्डन मुख्यतः किस खेल से संबंधित रहे, बेसबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल या स्केटबॉल। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, बास्केटबॉल से माइकल जॉर्डन मुख्यतः जो है तो संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विंध्य पर्वत, हिमाचल पर्वत, तारावली, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय, हिमाचल। हिमाचल पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम्पी का खंडहर किस देश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में हम्पी का खंडहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील कौन सी है, डाल झील, चिल्का झील, पुलिकट झील या बूलर झील। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। सही ऑप्शन हमारा अन्नामुदी, दोदा बेटा, मालवालेश्वर या महेंद्रगिरी। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, अन्नामुदी जो है तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ताप गतिकी का प्रथम नियम समानता है किसने संबंध मामला है। सही ऑप्शन है ऑप्शन हमारा, चार्ल्स नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऊष्मा विनियम के नियम या न्यूटन के संलयन नियम। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा के संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है, ऑप्शन नंबर ए 4, बी ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 60, ऑप्शन नंबर डी 10। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, पिंड के द्रव्य पर, पिंड
को उपलब्ध कराई गई ऊष्मा पर या पिंड के द्रव्यमान पर या पिंड के तापमान पर। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, पिंड के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्मामीटर तापमापी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर बी है गैल्स्टन, ऑप्शन नंबर सी है सिलीनियम, ऑप्शन नंबर डी है ब्रोमियम। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी गैल्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है। विस्टुला, एवान, राइन या टाइबर। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी टाइबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। विष्णु शर्मा, रसखान, जीमूत वाहन या वत्स्यायन। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इससे पहले एक आपसे क्वेश्चन है कि पद्मावत के लेखक कौन हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रेमलिन कहाँ स्थित है। मास्को, मिस्र, सिडनी या कॉन्स्टेंटिनोपल। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, मास्को। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। कबड्डी, बेसबॉल, हॉकी या खो खो। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए इससे आने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले आपसे एक हॉकी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि हम हॉकी खेल किस किस देश का राष्ट्रीय खेल माना है। ठीक है दोस्तों, आपको इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन आपसे और, एमपी का राजकीय खेल कौन सा है तथा इसे कब अपनाया गया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हुमायूं नामा के लेखक कौन हैं। गुलबदन बेगम, नीरंद चंद्र चौधरी, अमृता प्रीतम, विजय तेंदुलकर। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। ठीक है दोस्तों, चलिए हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चित्रांगता गीतांजलि के लेखक कौन हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, प्लेटो या भवभूति। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने चित्रांगता या गीतांजलि के लिए को एक बुक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए खो खो, ऑप्शन नंबर बी मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर सी टेनिस टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। फुटबॉल डुरंड कप जो है तुम्हारे फुटबॉल से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोदान किसकी रचना है। बी एम कॉल, प्रेमचंद, शिवानंद, कुलदीप नैयर। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बकिंघम पैलेस कहाँ स्थित है। जेरूसलम, इजराइल, लंदन इंग्लैंड, अरिजोना यूएसए, रोम इटली। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, लंदन इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल, टेबल टेनिस, खो खो, मुक्केबाजी। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एफिल टावर कहाँ स्थित है। रोम इटली, मक्का सऊदी अरब, पेरिस फ्रांस या कॉन्स्टेंटिनोपल। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस या फ्रांस में एफिल टावर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपिया किसकी रचना है। अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, जॉन मिल्टन या प्लूटो। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। प्रिंसिपियन जो है तो न्यूटन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लैंड ऑफ हाइट एलिफेंट्स उपनाम किसका है। थाईलैंड, बल्कर, नीदरलैंड या नेटाल। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। वहाँ पर व्हाइट एलिफेंट है पाए जाते हैं, इसलिए थाईलैंड का एक उपनाम व्हाइट एलिफेंट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में, संसार की छत उपनाम किसका है। पमीर का पठार, बल्कर, नीदरलैंड, नेटाल। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, पमीर का पठार।
चलिए दोस्तों, इसके अब पमीर का पठार क्वेश्चन आ गया है, तो आप ये बताइएगा कि किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आई प्ले गोल्फ किसकी रचना है? मदर टेरेसा, जगमोहन, सोनिया गांधी या टाइगर वुड्स? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, टाइगर वुड्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? मास्को, पीसा, इटली, ओरियोजन, यूएसए, रोम, इटली। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, इटली, पीसा, इटली में। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नील नदी की देन उपनाम किसका है? मिस्र, कनाडा, बेलिंजियम या अफ्रीका? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेगा वाइट में मापते हैं भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मेगा वाट से मापा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? कोबाल्ट, निकेल, जार्कोनियम या टंगस्टन? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जार्कोनियम। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या बिलियर्ड्स? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से कोपा कप जो है तो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है? कुश्ती से, फुटबॉल से, हॉकी या गोल्फ? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से हमारा रंगा स्वामी कप संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो हमारे किण्वन जो क्रिया होती है ना उसमें से वही गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एसआई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, डायोमीटर, ऑप्टर या मीटर? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी ऋषभदेव या पार्श्वनाथ? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में संबंधित नहीं है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, नर्मन बोरलॉग पुरस्कार? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, नर्मन बोरलॉग पुरस्कार हमारे खेल कूद से संबंधित पुरस्कार नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज या रावी? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जाना जाता है? यमुना, गोदावरी, गंगा, कावेरी? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यमुना। दोस्तों आपको ये बताना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम, नरसिंह देव द्वितीय, कृष्णदेव राय? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह देव द्वितीय जी ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खजुराहो स्थित मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? चालुक्य को जाता है, चंदेल को जाता है, राष्ट्रकूटों को जाता है या पालों को जाता है? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंदेलों को। खजुराहो में स्थित जो मंदिर है उन निर्माण का श्रेय चंदेलों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइंस्टीन के ई बराबर MC² समीकरण में सी घोतक है ध्वनि के वेग का, प्रकाश वेग का, प्रकाश तरंग दैर्ध्य या एक स्थिरांक है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वेग को सी घोतक जो दर्शाता है।
आइंस्टीन के ई बराबर एम सी टू के समीकरण में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में कोलार स्वर्ण खदान स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस नेता का जन्मदिवस भारत में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राजगोपालाचार्य, ऑप्शन नंबर बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी है एस राधा कृष्ण, ऑप्शन नंबर डी है राजेंद्र प्रसाद। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी एस राधा कृष्ण। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। दोस्तों आपको ये बताना है कि इंडिया गेट का निर्माण किसने करवाया था, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम, केप कैमोरियन। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई या नई दिल्ली? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो अंग्रेज थे सर्वप्रथम इसी यहीं से मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के मतलब गेट से वह हमारे इंडिया में प्रवेश किए थे, इसलिए इसे गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये हमारे मुंबई में स्थित है। ये दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल या पटना? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत का भारत भवन स्थित है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? पटना, लखनऊ, हैदराबाद या नई दिल्ली? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, पटना। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में शक्ति स्थल स्थित है। दोस्तों आपको ये बताना है कि शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है, स्थल है, और हमारे इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है तथा कहाँ स्थित है, और लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल क्या नाम है तथा कहाँ स्थित है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंदिरा पॉइंट स्थित है लक्षद्वीप, दमन द्वीप, अंडमान निकोबर, तमिलनाडु? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबर में इंदिरा पॉइंट स्थित है, ये हमारे भारत के दक्षिणतम छोर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विक्रम भाई सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा में, कि त्रिवेंद्रम में, तांबे में, बेंगलोर में? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेंद्रम में विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हजीराबाग, ऑप्शन नंबर बी नेतारहाट, ऑप्शन नंबर सी बोकारो, ऑप्शन नंबर डी रांची। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजकोट, ऑप्शन नंबर बी कोची, ऑप्शन नंबर सी अंडमान, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जलियावाला बाग कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, अमृतसर, जलधारा या अम्बला? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी अमृतसर। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जलियावाला हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आनंद भवन स्थित है इलाहाबाद, नई दिल्ली, लखनऊ या आगरा? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दार्जिलिंग स्थित है हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या सिक्किम। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंड किला किस राज्य में है, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में गोलकुंड किला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे किस अंतराल में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर बी है समांतर क्रम, ऑप्शन नंबर सी है सीधे या ऑप्शन नंबर डी है लाइन। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये हमारे घरों में इसी क्रम में बिजली के तारों को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या प्रिंटर। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किसने चार मीनार बनवाई थी, कुली कुतुब शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐकब या अलाउद्दीन खिलजी। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपकी क्वेश्चन है कि चार मीनार हमारे भारत के किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया, बाबर ने, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मारो फिरंगी को किसने नारा दिया था, इकबाल, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, जवाहरलाल नेहरू। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, आप बताइए बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया कौन सी विटामिन की कमी से कारण होता है, विटामिन B12 और विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B5। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है, ऑप्शन नंबर ए गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, जलियावाला बाग या सप्तमूर्ति। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में कौन सी विटामिन की कमी कारण होता है, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। नेक्स्ट, इसके अलावा आप बता सकते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है और विटामिन ए के कमी के कारण कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, नियासिन, बायोटिन या एसनोबाल्किमिन। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेटिनॉल। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने नारा दिया था, इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, सुरेश चंद्र वर्जीनिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा भाई नेहरोजी, देवेंद्रनाथ टैगोर। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जिनने शांति निकेतन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, रावल, जयसव, सवाई प्रताप सिंह, चित्रानंद मौर्य, रावल रतन सिंह। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रावल जयसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐकब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐकब, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐकब जी ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, काहिरा मिस्र किस देश के किनारे स्थित है, स्प्री, मोस्कवा, टाइबर या नील। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, नील। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रिकेट्स बच्चों में कौन सी विटामिन कमी के कारण होता है, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम फेरल, राइबोक्लोफेरिन, कि निकोटेमिनाइड या बायोटीन। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइबोफ्लेविन के रासायनिक नाम है विटामिन टू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बेनकल रामा राव, जनरल मानिक शाह, अबुल कलाम आज़ाद। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अबुल
कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अभिनव बिंद्रा, राकेश शर्मा, मिहिर सेन या बेनेगल रामाराव। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे। दोस्तों आपको बताना है कि ये अंतरिक्ष पर किस वर्ष गए थे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RNA का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाटसन तथा आर्थनगर्ग, फिनेल, हैनीमैन या बसमैन। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाटसन तथा आर्थनगर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन का आविष्कार किसने किया? लुई पाश्चर, यूरिन कालमेट, हाशेन या लैंड स्मिनर। एंटीजन का आविष्कार किसने किया? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, लैंड स्टेनर ने एंटीजन का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेरी बेरी कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B1, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B1 के कारण जो है तो बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैग्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? AR रहमान, हीरा लाल, जे कानिया, ऑप्शन नंबर सी बदरुद्दीन तैयब, आचार्य निबोबा भावे। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आचार्य निबोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? AR रहमान, हेराल्ड MC मिलान, है हसरत मोहानी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपके दोस्तों ये बताना है वैज्ञानिक क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? वेटिंग, जेकब मोनार्ड, एडवर्ड जेनर। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर जी ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पहली आविष्कार का आविष्कार किसने किया था? जैन ए सल, पिनकस, स्टेनस या डार्क मैक्स। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जैन ई साल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? कपाड़िया, शेरपा, कुब दोरजी, सुफियान या फहियान। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, प्याज का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु या राजस्थान। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपारी एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, असम, बिहार या मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में सुपारी एवं कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोस्तों आपको ये बताना है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, पोमोलॉजी, माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी। शांत रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, चावल का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? हसरत मोहनी, बराउद्दीन तैयब, खान अब्दुल्ला, गफ्फर खान के सैफुद्दीन की चालू। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल्ला गफ्फर खान। ये हमारे पाकिस्तान से है, सर्वप्रथम भारत इन्हें दिया गया था, प्रथम विदेशी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार या महाराष्ट्र। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरसों का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? केरल, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केरल में। दोस्तों आपको ये बताना है कि रबर का उत्पादन किस वृक्ष के रस से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में, डायबिटीज का आविष्कार
डायबिटीज का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर, बेडिंग, लिस्टर या किटाजा टोज? सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, चेचक का टीका आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर, हाई मैन, किटाजोज, हाई ने मैन। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर जी ने चेचक टीके का आविष्कार किया। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति एवं गृह मंत्री कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्याम प्रसाद मुखर्जी। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीरो थैलेमिया कौन से विटामिन की कमी से कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए के कारण यह जीरो थैलेमिया जो है तो होता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑर्गेनिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मैथेनाइक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिट्रिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों आपको ये बताना है कि हमारे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में और आमले में कौन सा अम्ल पाया जाता है और अम्ल राज किसे कहा जाता है? हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, माइकोलॉजी। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एपिकल्चर कहलाता है। आपको दोस्तों ये बताना है कि मधुमक्खी पालन हमारे भारत के किस राज्य में है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, सिल्कोलॉजी या ऑफियोलॉजी या सारोलॉजी। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑफियोलॉजी कहलाता है। सर्पों का अध्ययन करना ऑफियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, मणिपुर, तमिलनाडु। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, केरल, उड़ीसा, मणिपुर। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, लाल क्रांति किससे संबंधित है? अनाज उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, चमड़ा या टमाटर में मांस उत्पादन से। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टमाटर में मांस उत्पादन से है। आपको दोस्तों बताना है, काली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है तथा हरित क्रांति का संबंध किससे है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दही खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल, दही ये दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या ब्यूटाइक्रिक अम्ल। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्सियोलॉजी, आर्थियोलॉजी, सारोलॉजी, सिविकल्चर। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हमारा आर्थियोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन करना आर्थियोलॉजी कहलाता है। दोस्तों आपको ये बताना है कि ऊतक का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आप कमेंट कुछ जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी या सेरिकल्चर। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेरिकल्चर कहलाता है। रेशम का कीट पालन अध्ययन सेरिकल्चर कहलाता है। दोस्तों आपको बताना है, जो रेशम जो कीट होता है उसे किस पौधे के पत्ती में इसका पोषण किया जाता है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों के खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? सारोलॉजी, सिल्वीकल्चर, हार्टिकल्चर या फ्लोरोकल्चर। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। दोस्तों आपको ये बताना है कि हमारे प्याज और लहसुन में किस कारण हमारे आंसू आ जाते हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे बिच्छू के टंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पैथेनाइक अम्ल, ब्यूटेनाइक अम्ल, यूरेटिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। सही तो इसमें हमारा ऑप्शन लगभग पूरे गलत हैं। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर गलत है, इसमें होगा हमारा सही आंसर होगा फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत किस देश का संसद है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन या फ्रांस। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत
जो है तो संसद संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज, रूडोल्फ एले ग्रास्ट्रोबोल्ट या ई टोर शेली। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज। दोस्तों आपको ये बताना है कि कंप्यूटर का हिंदी में क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन पन्ने जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर, सिम्फोग्राफ, एपिडोमीटर या टेलीस्कोप। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ओडोमीटर होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया? विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया? डेनियल गैब्रियल, फारेनहाइट, हिल्स, माइकल फेराडे या पेलेग्रीन टेरी। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिलकर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले आपसे क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाचा जी के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या अमीर खुसरो। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा जी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, डीजल इंजन के आविष्कार कौन है? डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? डैमलर।